तो राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रिंस, और तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देने वाला कनप्पा मूवी का टीजर का रिव्यू। तो दोस्तों, बहुत बड़े सुपरस्टार्स को लेकर सॉलीवुड प्लस साउथ इंडियन, जी हां दोस्तों, टॉलीवुड मिक्स करके बवाल मूवी बनने वाली है दोस्तों। इसमें भगवान भी आने वाले हैं, सारे भगवान मिक्स करके सारे का रोल्स डेवोटी बहुत अच्छी मूवी बनाई है। तो दोस्तों, मूवी को पहले बताते हैं कि मूवी में कौन कौन सुपरस्टार्स है। जी हां दोस्तों, तीन सुपरस्टार्स है सबसे बड़े बड़े। जी हां दोस्तों, एक मोहन लाल सर है जो साउथ इंडियन के टॉप मोस्ट एक्टर है। जी हां दोस्तों, दूसरे हमारे बॉलीवुड के टॉप मोस्ट एक्टर अक्षय कुमार, तीसरे प्रभास कुमार। जी हां दोस्तों, प्रभास तीनों बहुत तगड़ा, तीनों भगवान का रूप देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तीनों एक लॉर्ड, जैसे प्रभास आपको दिखने वाले लॉर्ड विष्णु के रूप में, अक्षय कुमार दिखने वाले आपको लॉर्ड शिवा के, और मोहनलाल सर आपको दिखने वाले जी हां दोस्तों ब्रह्मा के रूप में। तो दोस्तों, अब आते हैं टीजर पे। टीजर कैसा है? मूवी का बजट तो दोस्तों 100 करोड़ बताया जा रहा है, और उस हिसाब से 100 करोड़ का टीजर नहीं दिखा मेरे को। अब ट्रेलर कैसा होगा, मूवी का कैसा होगा, तो टीजर से भी कुछ ज्यादा बताया नहीं जा सकता। बट टीजर में दिखाया जा रहा है कि एक गार्डनिंग में शुरू हुआ है, ग्रासलैंड में स्टार्ट हुआ वीडियो, ग्रासलैंड में खत्म हो गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। और सबके मेकअप का ग्राफिक्स थोड़े कमजोर है, जैसे 100 करोड़ का बजट पे बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं। जैसे हनुमान मूवी पे का भी बजट कम था, बट उसमें क्या ही टॉलीवुड के देखा है टैलेंट कितने की ग्राफिक्स में कितने अच्छे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी टॉलीवुड में है वो कैपेबिलिटी की वो ग्राफिक्स में इंप्रूव कर सकते हैं, बट इस मूवी की थोड़ी ग्राफिक्स थोड़ी कम है। तो दोस्तों कोई ना, बट 100 करोड़ का बजट है, और मुझे लगता है कि ज्यादा सुपरस्टार ने ही पैसे ले लिए इस मूवी के लिए, तो मूवी का बजट क्या ही होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ और दिखाया जाएगा कि कैसे शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के आपस में केमिस्ट्री थी, और मूवी पे कुछ रहेगा ड्रामा, फिक्शनल, दोस्तों फिक्शनल तो नॉन फिक्शनल, फिक्शनल सब मिक्स रहेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरी भी रहेगा, थोड़ा मिक्सअप करके बनाया जाएगा डायरेक्टर की तरफ से कि कुछ नया स्टोरी आएगा। तो दोस्तों, ऐसा मूवी रहेगा, आप ट्रेलर आने के बाद ही पूरा अच्छे से पता चलेगा। तो अभी क्या, एक मिनट के वीडियो में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता है, सिर्फ एक्टर्स रिलीज होते हैं, थोड़े से ग्राफिक्स रिलीज होते हैं, और क्या मूवी का हल्का सा कौन कौन है क्या नहीं है वो सब बताया जाता है। तो ट्रेलर का वेट कर रहे हैं हम दोनों। तो दोस्तों, कैसा लगा ये रिव्यू मेरे कमेंट से जरूर कमेंट करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।